हेलो दोस्तों, क्या हाल हैं? एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर। तो एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर आपका भाई फैजान मलिक आपको फिर कुछ नया बताने जा रहा है। इसलिए भाई वीडियो पूरी देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोगों के साथ ये दिक्कत पाई जाती है कि आपने देखा होगा उनके नाखून जो होते हैं ना, वो धीरे धीरे काले पड़ना शुरू हो जाते हैं। नाखून जो होते हैं आपने देखा होगा, नाखून काले पड़ते पड़ते वो ख़त्म हो जाते हैं। एक टाइम उनका ऐसा आता है वो ख़त्म हो जाते हैं, मतलब झड़ जाते हैं सारे नाखून, पैरों के, हाथों के, सब में होता है ये प्रॉब्लम। तो ये इसके लिए एक दवाएँ, कुछ दवाएँ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो आती है डफलाजा कार्ड 6 mg, ये टेबलेट आती है, किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं, ठीक है। एक आती है लीवोसिट्रिजिन एलिस, ये फिलहाल मेरे पास जिस कंपनी की है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये कैल्शियम टेबलेट आती है, कैल्शियम एंड विटामिन D3, ये भी आप किसी भी कंपनी ले सकते हैं। सिप्ला की आती है, एलकेम की आती है, और ये CSC की है। बाकी ये ग्राइसोपोल्विन टेबलेट 250 mg की आती है, आप टेबलेट देख सकते हैं आगे से। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये इसकी MRP तो 17.79 रुपये है, लेकिन ये आपको MRP से ज़्यादा ही मिलता है, हमेशा कहीं से भी आप लेंगे तो हमेशा ज़्यादा मिलेगा, 17 रुपये का नहीं पड़ेगा। अब बात करता हूँ इसको यूज़ करने की। तो ये जो है ना, ये बाकी की 3 टेबलेट जो होती हैं कैल्शियम को छोड़कर, ये 3 टेबलेट जो है डफलाजा कार्ड एलिस्ट और ये आपकी ग्राइसोफोजिन 250 mg की है, ये आपको सुबह शाम लेनी होती है। आप ये आपके नाखूनों पर कब से परेशानी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये कैल्शियम जो है ये आप किसी टाइम पे भी एक ले सकते हैं, तो इसलिए आप ये सुबह शाम लेंगे, ये जो है कैल्शियम दोपहर में लेंगे, ठीक है। तो आपकी दवा का रूटीन बना रहेगा, आपको याद भी रहेगा 3 टाइम खाना ना। फिर उसके बाद क्या होता है, एक आपके कितना आपका पुराना है उसको ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अगर आपका ज़्यादा पुराना है तो आप कम से कम 1 महीना तक लगातार खाएंगे, 1 से 1.5 महीने सुबह शाम। बाकी कैल्शियम की गोली तो आप लगातार खाएं, जब तक खाएं पूरी ज़िंदगी खाएं, उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये नाखूनों वाली प्रॉब्लम जो है 100% मेरा खुद का आजमाया हुआ नुस्खा है। मेरे पापा का क्लिनिक है, वो चलाते हैं ना, तो उसको देख देख के मैं भी सीखा हूँ, तो वो यही दवाई यूज़ करते हैं, तो 100% रिज़ल्ट भी मिलता है इसका। अगर आप कंटिन्यू रेगुलर बेस पर जितना कोर्स होता बताया जाता है उतना आप कर लेते हैं तो ठीक है। तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती है, 97 rupees MRP है, लेकिन ये आपको MRP के हिसाब से नहीं मिलेगी, सस्ती मिल जाएगी। ये भी एलिस्ट भी आपको ज़्यादा महंगी नहीं मिलेगी। ग्राइसोबिन का 17 रुपये MRP है, 30-35-37 रुपये के आसपास स्टेम मिलता। तो ये आपको 5 दिन की दवा कितने रुपए की, आपको 100 रुपये के आसपास 40 रुपये 5 दिन की दवा मिल जाएगी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं। कैल्शियम की टेबलेट 5 रुपये की आती है, महंगी महंगी भी आती है, लेकिन आप ये ले सकते हैं कहीं से भी। और ये जो नाखूनों में प्रॉब्लम आती है उसको जड़ से ख़त्म करने की सबसे आसान और सबसे असरदार फार्मूला है ये। बाकी वीडियो आपने मेरी पूरी देखी, उसके लिए धन्यवाद। फिर कल फिर मिलते हैं किसी नए प्रोडक्ट के साथ या किसी नई जानकारी के साथ। बाकी अपने भाई को इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।